तिहाड़ी के नवाही इलाका गड़ा मोड़ से गुजश्ता रात मेहंदी के प्रोग्राम से अगवा की गई दोनों बच्चियां और इनकी वालदा बेहोशी की हालत में DHQ अस्पताल से मिल गईं। पुलिस थाना मित्रता हाल मुलजमान को गिरफ्तार न कर सकी। तफसीलात के मुताबिक सगे चचा भतीजों की जान के दुश्मन बन गए। गुजश्ता रात तिहाड़ी के नवाही इलाका गड़ा मोड़ में सबा और मुकद्दस की मेहंदी की तकरीब में चचा इमरान शहजाद और दिलशाद ने अपनी ही भतीजियों को नशा देकर अगवा कर लिया। नशे में हालत गैर होने पर मुलजमान बच्चियों और इनकी वालदा को बेहोशी की हालत में DHQ अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। मगवी दुल्हनों ने बताया कि हमारे चचा हमारा रिश्ता कहीं भी नहीं होने देते, जबकि वो हम और हमारी वालदा पर जुल्म तशद्दुद करते रहते हैं। मगवी बच्चे ने बताया कि हमारे चचा हमें पुलिस चौकी इंचार्ज और SI मुख्तियार के सामने अगवा कर ले गए। पुलिस से मदद मांगने पर भी मदद नहीं की गई। मगवी बच्चों की वालदा ने बताया कि चौकी इंचार्ज गड़ा मोड़ और दीगर पुलिस एहलकार मुलजमान से साजबाज हैं और हमें कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। मेरी और मेरी बच्चियों की जान को खतरा है, पुलिस तहफ्फुज़ फराहम नहीं कर रही, जबकि पुलिस ने ताहाल मुलजमान को गिरफ्तार नहीं किया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये वकुआ थाना मित्रू का है। यहाँ पे मुमताज़ खां अपने दो बच्चों की शादी जो कि खोखर बिरादरी में कर रहा था, और पहले इसने शाहजेब और जहाँजेब की निकाह की तकरीब कर चुका, अब रवानगी रुख्सत की तो इस पे जो बच्चियाँ हैं मुकद्दस और सबा, उनके चाचा और उनके करीबी रिश्तेदार इस शादी से नाखुश थे, तो इस उन्होंने ये दोनों लड़कियां और उनकी वालदा को मौके से उठा के गायब कर लिया, जिसका मुकदमा नंबर 159/22 बजुर्म 305B 506 427 337 148 149 मुमताज़ खां की मुदैयत में दर्ज और रजिस्टर हो चुका है। बच्चियां और उनकी वालदा बरामद हुई है, जिसको अदालत में 164 के बयान कराने के लिए पेश किया गया है, जिन्होंने जज साहब ने आइंदा 28 तारीख मुकर्रर किया है। जिस किसी ने भी कानून को हाथ में लिया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो जो भी, क्योंकि हर आदमी आज़ाद है और बच्चियां बालग हैं, उनका अगर निकाह हो रहा था मुसलमान तरीके से, तो जो इन्होंने वहाँ एक्ट पान किया है। DSP मजर हयात ने मौकफ अख्तियार किया कि मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और जो भी खिलाफ कानून काम करेगा इससे सख्ती से निपटा जाएगा। हमें कत्ल की धमकियां दे रहे हैं और हमें इन्होंने सुबह का कल का अगवा किया और शाम को जाके छोड़ा है, और हमें पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही है। परेशान है, सारा मसला हल करना, सारी जिंदगी लांगी मैं मारते कूदते गूंगा बंदा आगा, बच्चे गूंगे दोनों छोटे छोटे व्याड़ी पढ़ते आगे, सारा बंदा को नहीं फेरते जिससे बच्चियां का करनी कर नहीं देंगे। मैं बड़ी परेशान हूँ, बच्चियां वालदा और बच्चों ने हाथ जोड़कर वज़ीर आला IG पंजाब और RPO मुल्तान से अपने तहफ्फुज़ की अपील की है।